नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टॉक बाजार पर। दोस्तों कल 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई से मेरा कहने का क्या मतलब है, तो कल एक प्री इलेक्शन डे है, मतलब सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, प्री बजट डे है, मतलब बजट से एक दिन पहले वाला डे है, वो भी मार्केट ऑन रहेगी इस दिन। तो इसमें ऐसा क्या क्या हो सकता है इस दिन, उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट अटेंशन या फिर इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बुल्स और बियर्स में कल कौन हावी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो बजट से पहले का, क्योंकि मार्केट को एक इवेंट चाहिए होता है, न्यूज़ चाहिए होती है मूव करने के लिए काफ़ी, ठीक है। तो न्यूज़ 4 जुलाई जो इलेक्शन डेट थी, इलेक्शन की रिजल्ट की डेट थी, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आज यहाँ मिला है हमें बजट का दिन। तो बजट में इन 4 चीज़ों का आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो क्या 4 चीज़ें हम यहाँ पे अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ पे चलते हैं, अमेरिका बाज़ार, ठीक है। अगर हम यहाँ अमेरिकी बाज़ार की बात करते हैं, तो हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग नियर बाय 1% के डाउ जोन्स में हमें गिरावट देखने को मिली। और सिर्फ ये फ्राइडे को नहीं, थर्सडे फ्राइडे बोथ द सेशन में हमें यहाँ पे जो है मार्केट में पिटाई देखने को मिली डाउ जोन्स में, ठीक है। अगर आप नैस्डैक देखें, वो भी नियर 1% के आसपास ही यहाँ पे हमें प्लम्प होता हुआ दिखाया है। तो अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है हमारे निफ्टी 50 इन सब चीज़ों पे पड़ सकता है, ठीक है। तो ये देखने वाली चीज़ हो जाएंगी कल के दिन मार्केट में, क्योंकि कल एक इम्पोर्टेंट डे है, बजट डे इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि 23 जुलाई को है, लेकिन बजट से एक दिन पहला भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। उस दिन काफ़ी बड़े खेल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट ऐसा क्या है, तो सेकंड पॉइंट आपको इस फोटो से ही, इमेज से ही पता लग रहा होगा कि बजट की बात हो रही है। तो बजट है कल, बजट कल नहीं है, बजट है 23 जुलाई को। तो काफ़ी कुछ हो सकता है बजट में, कुछ कुछ सेक्टर हैं जिन पे पहले से चर्चा चलती आ रही है, डिफेंस, रेलवे, इन सब में कितना एलोकेशन होगा। तो उन सब इस सेक्टर पे जो भी मतलब पहले बता चुके हैं काफ़ी, अगर आपने YouTube वीडियोस देखी होंगी तो उनमें भी बता रहे हैं, काफ़ी आर्टिकल अगर पढ़े हों आपने तो उसमें भी बताया कि कौन कौन से सेक्टर पे यहाँ फोकस करना है, ठीक है। तो आप वो उस स्टडी के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट मतलब बजट डे के दिन अगर आप उस मतलब बजट डे से पहले आप कल प्लान कर सकते हैं कि किन किन स्टॉक पे यहाँ आपको नज़र रखनी है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाता है, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है हमारे इंडेक्स में, जैसे कि हमारा जो है रिलायंस हो गया, रिलायंस के नंबर अभी काफ़ी अच्छे नहीं आए, क्योंकि हम देखें तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट को पसंद ना आप आए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और इसी के नंबर कमाएंगे तो शायद मार्केट को अच्छा ना लगे, ठीक है। और जैसे HDFC बैंक के, इसके नंबर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसका मर्जर हुआ था। तो अगर आप क्वार्टर वाइज, मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्वार्टर वाइज तो थोड़ी सी गिरावट है नंबर्स में, पर ईयर वाइज देखेंगे ना तो लगभग शायद 35% के आसपास की यहाँ बढ़ोतरी हमें ईयर वाइज देखने को मिली है, पर मर्जर हुआ था ना इस वजह से, तो इसके नंबर पढ़ना थोड़ी अलग कला है। तो ये सब जो है ना हमें कल के दिन मार्केट में देखना है कि ये इन स्टॉक्स का प्रभाव क्या पड़ता है, क्वार्टर वन के नंबर बाज़ार को अच्छे लगते हैं या नहीं। तो विप्रो की बात करेंगे तो फ्राइडे को देखिए, अगर आप मोटा मोटा 3% या गिरावट आई है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना इसका ADR 11-12% तक नेगेटिव शो हो रहा है। तो विप्रो में भी मतलब कुछ हो सकता है कल के दिन, क्योंकि काफ़ी गंदी गिरावट हो सकती है, क्या पता काफ़ी गंदा 2-4% तो कम से कम ये गैप डाउन ही खुल जाए अगर इतना हो तो, ठीक है। तो ADR काफ़ी नेगेटिव शो हो रहा है इसका। और ICICI बैंक के नंबर, वैसे नंबर अभी ICICI बैंक के नहीं आए हैं, ठीक है, तो नंबर अभी ICICI बैंक के नहीं आए हैं, लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा इसके नंबर का अनुमान, क्योंकि HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन सब के नंबर आ गए हैं, तो इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है इस बैंक का भी, ठीक है। तो ये सारे जो बैंक्स हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट हमें देखने हैं कल, मार्केट इनको कैसा मतलब जो है थम्स अप देती है या थम्स डाउन देती है। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे है। तो जब भी हमारा बजट आता है तो बजट से एक दिन पहले जो होता है ना हमारा इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ना, उसकी रिपोर्ट आती है, डेटा जो है पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये डेटा पब्लिश होता है, कल के दिन मार्केट ऑन रहेगी, शायद उस टाइम पे होगा। तो उस इस सर्वे से भी हमें थोड़ा इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अगर आप
मतलब कैलकुलेटेड वे में थोड़ा स्टडी करके जाएं तो कल आप मतलब अच्छा दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि कल काफ़ी कुछ बजट के दिन तो हो गई भूचाल। कल भी जो दिन है बजट से एक दिन पहले का दिन, तो उसमें भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़े बड़े खेल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमस्कार, मैं आखिरी अलविदा चाहूँगा। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट एज़ वेल एज़ वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।